20 नवंबर पिछले 24 घंटा में उड़ीसा का सभी जगह में ही ड्राई वेदर था, और कल जो इमाक लोपेश्वर एरिया साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग साउथ अंडमान सी एरिया में था, इसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वार्ड हुआ है, और अभी वो इमाक लोपेश्वर एरिया ही है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में। इसका मूवमेंट अभी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वार्ड रहने का ही चांसेस है, और इंटेंसिफिकेशन अगला 24 आवर्स में होने का चांसेस है डिप्रेशन में साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में। उसका बाद फर्दर इसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वार्ड ही रहेगा, और साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है 3 दिसंबर का अराउंड साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में। उसका बाद नॉर्थ वेस्ट वार्ड मूवमेंट इसका होने का चांसेस है, नॉर्थ तमिलनाडु साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट में पहुंचने का चांसेस है 4 दिसंबर में। अभी हमारा फिशरमैन का वार्निंग जो है, फिशरमैन को साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में 1 दिसंबर से और वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया में 2 दिसंबर से जाने का मना है, मीन्स डीप सी एरिया में, हमारा डीप सी एरिया में जाने का मना है 1 दिसंबर से। तो फिशरमैन को 1 दिसंबर तक हमारा कोस्ट पे वापस आने के लिए कहा गया है। अभी तक हमारा कोस्टल उड़ीसा कोस्ट के लिए फिशरमैन का कोस्टल एरिया के लिए जारी नहीं किया है वार्निंग अगला 4-5 दिन के लिए। रेनफॉल फोरकास्ट अभी हमारा जो है अगला 3 दिन तक 2 दिसंबर तक सभी जगह में उड़ीसा में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। 3 दिसंबर में 1-2 जगह करके रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट मलकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगढ़ कंधमाल जिला में। 4 दिसंबर में मलकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजम में कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश। कोस्टल विशाखा बाकी डिस्ट्रिक्ट में 1-2 जगह करके नवरंगपुर कालाहांडी नवापुरा कंधमाल में भी 1-2 जगह करके हल्का से मध्यम बारिश का पॉसिबिलिटी है। बाकी हमारा नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। 5th और 6th दिसंबर में रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करने का चांसेस है, इसमें मेनी प्लेसेस में कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट और एडजॉइनिंग मेनली साउथ इंटीरियर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है रेनफॉल। और सिस्टम अभी हमारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में है, फर्दर अपडेट आपको कल फिर दिया जाएगा।